डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट हुए एक लंबा समय हो चुका है। मार्च 2021 से पहले डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की जम्मू कश्मीर में किसी को भी कोई खबर नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग जानते होंगे, कुछ एक प्रेस नोट भी इशू किए गए थे जिन प्रेस नोटों में ये बताया गया था कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये भी कहा गया था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो उन तमाम रिपोर्ट्स का संज्ञान ले रहा है जो रिपोर्टें ऑलरेडी बनी बनाई सरकार के पास पड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन को एक बहुत अहम काम करना होता है, वो अहम काम है पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन का ये मतलब कि आप डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं, आप डिस्ट्रिक्टों के साथ में तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो लोग हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि उनका विचार डिलिमिटेशन को लेकर क्या है। वो पब्लिक कंसल्टेशन अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई? अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत का सिलसिला अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ? नवंबर का महीना खत्म हो चुका है, दिसंबर चल रहा है और इसके बाद 3 महीने ही बचते हैं और 3 महीनों में आप जानते हैं कश्मीर में बर्फबारी होगी, कश्मीर में चिल्ले कलां जिस वक्त शुरू होगा उस वक्त किसी के लिए भी वहां पर फंक्शन करना पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए सरकार फंक्शन भी करे तो सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि लोग वहां पर इकट्ठे हों, सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि लोगों को आने में आसानी हो, लोगों को आने में दिक्कत और परेशानी हो सकती है। तो ये पब्लिक कंसल्टेशन आखिरकार पिछले इतने महीनों में क्यों नहीं की गई और डिलिमिटेशन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है वो कर कहां पे रहा है? उस एक्सरसाइज को लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन का काम ना तो सीक्रेटिव है और ना ही ऐसा काम है जिस काम के ऊपर पर्दा रखने की जरूरत है, बल्कि ये तो ऐसा काम है जिस काम में जो भी आप प्रपोज करेंगे उस प्रपोजल को आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उस प्रपोजल को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिबेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, वो जाहिर सी बात है आपके प्रपोजल के अंदर कमियां और खामियां निकाल सकते हैं। वो निकालने का मतलब हो गया कि डिसेंट नोट लिखेंगे, वो डिसेंट नोट भी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि पब्लिक कंसल्टेशन आखिरकार शुरू कब होगी? सबसे अहम कंपोनेंट यही सवाल यहाँ के जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल भी पूछ रहे हैं, यही सवाल जम्मू कश्मीर का आम आदमी भी पूछ रहा है कि एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज जिस एक्सरसाइज में जम्मू कश्मीर की सीटों को 87 से 90 करना है और 3 सीटें ही टोटल जो आपकी सीटें बढ़नी है 3 बढ़नी हैं, लेकिन चूंकि लद्दाख अब जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है तो 7 सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी। 83 सीटें जम्मू कश्मीर की अपनी हैं, 4 सीटें आपकी लद्दाख की हुआ करती थी, लेकिन अब 83 सीटें जम्मू कश्मीर की और 7 और सीटें बढ़नी हैं। तो ये 7 सीटें कहाँ बढ़ेंगी, वो टेरिटोरीज कैसे डिफाइन की जा रही हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर के आम आदमी को भी परेशान कर रही हैं, राजनीतिक लोगों को भी परेशान कर रही हैं। और अगर बिना पब्लिक कंसल्टेशन के, बिना राजनीतिक दलों से बातचीत किए, बिना राजनीतिक दलों से पूछे और बिना उनके साथ उनको एंगेज किए डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है तो उस रिपोर्ट की एफिकेसी कितनी ज़्यादा होगी, उस रिपोर्ट के आने के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की उस पर प्रतिक्रिया क्या होगी, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर डिलिमिटेशन कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं उन्हें सोचना होगा और पब्लिक कंसल्टेशन को जल्द से जल्द शुरू करना होगा। ऐसा ना हो कि आपका दिसंबर का ये महीना चला जाए और उसके बाद आपके पास 3 महीने अगले हैं, उसमें सारी पब्लिक कंसल्टेशन फिर आपको जम्मू में रहकर ही करनी पड़ेगी, वो कश्मीर में संभव नहीं हो पाएगी। और अगर कश्मीर में होगी भी तो उसको कॉस्मेटिक कहा जाएगा। कॉस्मेटिक का मतलब ये कि आप कंसल्टेशन करना नहीं चाहते थे, आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कश्मीर में भी लोगों से बातचीत की। ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान को इसका संज्ञान लेना होगा और संज्ञान लेकर डिलिमिटेशन कमीशन की फंक्शनिंग को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना होगा।